बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लंबे समय बाद फिर से वेंडी वैन में आपको हमने पकड़ा है, जूम ने पकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? खैर वैसे तो हमारी शूट चल ही रही है और बहुत समय बाद वैनिटी वैन में जूम ने मुझे पकड़ा है बरखा के साथ। सो दिस विल बी द राइट आंसर। और बरखा के साथ सब कुछ करना अच्छा लगता है, असली मजा बरखा के साथ आता है। वह खाएं, शूट करें, सी फॉर एवरीवन इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? अब जो जानना चाहे, एक्सप्लोर करना चाहे, अपने अपने डिस्क पर करें। बरखा ने बोला कि आप उनकी ढाल बन चुकी हैं, मतलब अभी सेट पर जब जाएंगी तो एक तरह से जवाब आप ही देने वाली। वो बरखा की ढाल तो मैं जिंदगी भर के लिए हूँ, ये दुनिया जान जाए बस। सो सेट पर हाँ, और अदरवाइज टू जिंदगी में भी, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। सो कितनी तैयार होकर आई हैं, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो रहे हैं सारे स्टार्स के, जो शायद हम लोग को भी नहीं पता है, शायद मुझे भी नहीं पता है। कई बार ऐसे होता है कि आप सोचते हो कि आप अपने आप को भी नहीं जानते हो पूरी तरीके से, कई बार आपको अपनी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो हो सकता है आज मुझे बरखा के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी पता चलें जो मुझे ना पता हो, क्योंकि हमने वो टॉपिक ही नहीं डिस्कस किया हो। सो लेट्स सी, चलिए शो के फॉर्मेट जो है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक शो है, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। सो हाँ मैं जानती हूँ थोड़ा फनी सा लग रहा है ऐसे बोलते वक्त, जैसे भोजपुरी फिल्म होती है ना, लाइक भैया गए फौज में, भाई भाभी रही मौज में। सो एनीवे इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, इट्स अ टॉक शो, इट इज़ इट्स ऑन अ डिफरेंट लाइन, एंड यस दिस इज़ द सेकेंड रियलिटी शो वी डूइंग टुगेदर। या दिस इज़ द सेकेंड शो वी डूइंग टुगेदर, फर्स्ट वॉज अ कुकिंग शो एंड नाउ इट इज़ अ टॉकिंग शो। सो जो भी चीज़ें मुझे पसंद है, कुकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, इंग इंग वाला बहुत है ना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐसी कुछ बात तो नहीं आपस में कि हम दोनों एक दूसरे का सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे, या ऐसी कुछ बात होगी तो हम? नहीं नहीं, हम तो मौका देखते हैं कब इसकी बात बताऊं। मैं तो मौका देखती हूँ कब इसकी बात बताऊं, ये भी आई एम श्योर मौका देखती होगी कब इसकी बात बताऊं दुनिया को। चलिए वापस ट्रैक पर, मतलब आ रही है गाड़ी, सबसे पहले क्या कहेंगे, इतने सालों बाद वापस सब लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे हैं। बिल्कुल, 2 साल हो गए और 2 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत बुरी चीज़ें हुई और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। अच्छी चीज़ें इसलिए हुई कि हम इतने अपने कर्मों में लगे रहते थे कि हमें घर वालों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने आप के लिए वक्त नहीं मिलता था। तो ये 2 साल जो है ना, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने घर वालों के साथ बिताने के लिए, कई लोगों ने अपने चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा से इतनी बात नहीं की होगी जो 2 साल में कर ली। हाँ, फाइनेंशियली बहुत बुरा रहा बहुत लोगों के लिए दुनिया भर में, लेकिन ये बात तो अच्छी है कि अब फिर से ट्रैक पे आ रहे हैं और ये पैंडमिक पता नहीं चला जाएगा या नहीं जाएगा। आज तो कुछ 200-250 केस हैं सिर्फ मुंबई में, बट जैसा भी है हमें इसको एक्सेप्ट करना है। इट इज़ जस्ट लाइक निमोनिया और डेंगी और वट एवर, सो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसके साथ जीना है, क्योंकि जीना तो है ही। सो वो हंस के जिए या रो के जिए, तो बेटर है कि हंस के जिए। तो बरखा ने बता दिया बिल्कुल हॉट आउट लुक होने वाला है, आपका लुक कैसा होगा, मतलब बरखा है तो जाहिर सी बात है, तो बरखा है ना तो वो हॉटनेस थोड़ी इधर आ जाएगी, सो मैं खुश रहूंगी। फैन से कुछ कहना चाहेंगे, क्या धमाल होगा क्या? और धमाल तो हमेशा ही होता है। आप मेरी, और अगर कैंडिड कैमरा रख के भी मेरी और बरखा की बातें सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी एंटरटेन होंगे, क्योंकि हम बहुत एंटरटेनिंग हैं दोनों एक साथ में मिल जाए तब। और वैसे भी इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं कि आप बिल्कुल ही इनहिबिशंस के बगैर बातें करते हो, लेकिन इसमें जो एंटरटेनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं बरखा की जो शायद मुझे नहीं पता, और मैं भी रियली अच्छा ऐसे हाँ, सो वही माँ हाइला वाले मोमेंट्स बहुत होंगे। थैंक यू।